प्रकार से श्रीनगर थाना में जो लवेरा गांव है वहाँ होद की सफाई करते हुए जो चार जहरीली गैस से जो चार मौतें हुई थी उसको लेकर के विभिन्न समाजों के प्रतिष्ठित लोग जो नसीराबाद अस्पताल में गए थे और वहाँ जाकर के और जो सरकार से उसकी जांच करने की और मुआवजा देने की जो मांग की थी उसमें दोनों ही पार्टियों के लोग और समस्त 36 कौम के लोग और प्रतिष्ठित जो नेतागण वहाँ मौजूद रहे उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उस मामले का निस्तारण करवाया और उनका जो शवों को वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से ले जाके उनका दाह संस्कार करवाया और उसके बीच में जो उनको मुआवजे की मांग थी वो मुआवजा देने को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया गया उसके बाद में जहाँ SDM साहब ने और प्रशासन और नेताओं के बीच में जो समझौता हुआ कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो आपकी मांगें मानी गई है और अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में जो द्वेषतावश नसीराबाद सदर थाना अधिकारी ने जो मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे में एक ही दल के व्यक्तियों को और जिस प्रकार हमारे OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना जो कि वहाँ समझाइश में थे लगातार दोनों प्रशासन से और धरना वाले लोगों से मध्यस्थता की भूमिका में रहे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उसका निस्तारण कराया, लेकिन उसके बावजूद भाजपा नेता ओम प्रकाश भडाना और अन्य लोगों को टारगेट करते हुए उनका नामजद FIR में दर्ज करवाया, उसका हम विरोध प्रदर्शन किया और हमने आज SP साहब से मिलकर के और हमारे एडिशनल SP प्रियंका रघुवंश जी से कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच करके उस प्रकरण का निस्तारण करें और जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसके अंदर FIR लगवाएं और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और केवल एक दल के लोगों को टारगेट करना ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आपको ये भी कहा है कि आज पूरे जिले अजमेर जिले में गहरा आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत गहरा आक्रोश है और अगर ये नहीं माने तो पूरे प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे ऐसी हम करें। और आज जिला कलेक्टर साहब और SP साहब दोनों को ही ज्ञापन देकर अवगत कराया, हमारे साथ में हमारे शहर OBC मोर्चा कार्यकर्ता देहात के कार्यकर्ता सभी लोग आकर के और ये ज्ञापन दिया। अशोक सिंह रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा OBC मोर्चा देहात जिला अजमेर।